नमस्कार, जय शिव गोरख, जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम वर्ल्ड कप 2019 की प्रिडिक्शन कर रहे हैं चुनाव के ज्योतिष द्वारा कौन जीतेगा। हमने अभी तक जितने मैचों की प्रिडिक्शन की है ज्योतिष के द्वारा, वो हमारी भविष्यवाणियां सभी सत्य हुई है। आप YouTube पर भी जाकर हमारी भविष्यवाणी देख सकते हैं। हमने इस वर्ल्ड कप में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं, वो सभी सत्य हुई हैं। अब हम कर रहे हैं सेमीफाइनल में होने वाले इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, जो कि 9 जुलाई को होगा। अब उस मैच का हम ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं कौन जीतेगा। देखो, 9 जुलाई को अब ये विश्लेषण करते हैं हम, उस दिन की तारीख और उस दिन की जो प्रश्न कुंडली और दोनों टीमों के कप्तान विराट कोहली और केन विलियमसन, हम दोनों के कुंडली मिलाते हैं और दोनों देशों की राशि, अब सभी चीज़ों को मिला के हम ये निकालते हैं। तो उस दिन हम न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन की जो कुंडली देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ग्रह तो ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह खराब दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनको इस वर्ल्ड कप में अप डाउन होता रहा है। अगर टोटल उनका देखें, टोटल कुंडली देखें, तो उनकी कुंडली कुछ 9 तारीख कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है। कुछ ग्रह तो ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह खराब हैं, उसकी वजह से कुछ थोड़ा उनकी कुंडली थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है इन वर्ल्ड कप के मैचों में। दूसरी तरफ विराट कोहली की देखें, तो विराट कोहली के ज़्यादातर अगर कुंडली में देखें, ज़्यादातर ग्रह ठीक है, लेकिन कुछ ग्रह थोड़े से उनको भी कमज़ोर हैं। अगर कुल मिलाएं तो विराट कोहली की कुंडली 9 तारीख को जो मैच है उसमें, 9 तारीख के मैच के लिए ठीक है। और इस प्रकार दोनों अगर कप्तानों की हम कुंडली मिलाते हैं, तो विराट कोहली थोड़े की कुंडली थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है न्यूजीलैंड के कप्तान की बजाय। इस प्रकार 9 जुलाई को होने वाला एक बहुत ही अच्छा मैच होगा। इसमें ये मैच आखिरी तक जाएगा और इस मैच में परिणाम जो भी हो, परिणाम ज़्यादातर इसमें